फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामटेक। दोस्तों, यदि आप आरआरबी जेई एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि आरआरबी जेई की नई भर्ती के संबंध में क्या नोटिस निकल के सामने आया है, और दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वह कब तक आएगा, कब तक वैकेंसी आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, यह भी देखेंगे। वीडियो लास्ट देखिएगा। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मात्र एक सेकंड समय लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, उसके बाद आप जुड़ेंगे, फिर कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि आरआरबी जेई का जो है वैकेंसी कब तक निकल के सामने आएगी, क्योंकि इससे पहले बहुत पहले 2019 में ही वैकेंसी निकल के सामने आई थी, उसके बाद से इसकी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऑफिशियल इन्होंने कैलेंडर जारी किया था आरआरबी की ओर से, वहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कई सारे जो है कैटेगरीज़ को बांटा गया था, वैकेंसीज़ को बांटा गया था, और उसमें बताया गया था कि कब कौन सी वैकेंसी निकलेगी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जूनियर इंजीनियर भी इसमें मेंशन किया गया था कि जूनियर इंजीनियर का जो भी वैकेंसी निकल के सामने आएगी वह हर साल दोस्तों यहाँ पे जुलाई से सितंबर के बीच में निकल के सामने आएगी। कहने का अर्थ यह है कि जुलाई से सितंबर के बीच में आपका जूनियर इंजीनियर्स की ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे चूँकि आरआरबी इस कैलेंडर को फॉलो कर रही है, इससे पहले जनवरी में आपका जो है ELP का निकल के सामने आ चुका था, उसके बाद टेक्नीशियन का भी आपको मार्च और अप्रैल के बीच में देखने को मिल गया है, इसका भी फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो अब नई जो वैकेंसी आएगी वह NTPC की आएगी। NTPC के बाद आपका जो है जूनियर इंजीनियर का ही आएगा। तो जूनियर इंजीनियर का आप जुलाई या फिर अगस्त में मान सकते हैं कि आपको ऑफिशियल अपडेट निकल के सामने आ जाएगा, ऑफिशियल नोटिस निकल के सामने आ जाएगा। बात आती है दोस्तों कि वैकेंसी कितनी होगी, तो वैकेंसी निश्चित तौर से आपको उतनी नहीं देखने को मिलेगी जितनी आपको 2019 वाले वैकेंसी में देखने को मिला था, क्योंकि वहाँ पर जो है कई साल बाद वैकेंसी निकल के सामने आई थी 2019 में, तो बहुत सारी ज़्यादा पदों पर भर्ती निकल के सामने आई थी। लेकिन इस बार चूंकि आरआरबी कैलेंडर को फॉलो कर रहा है, तो यदि इनके पास वैकेंसी होगा भी तो वे अगले साल के लिए बचा के रखेंगे, ना कि इस साल फुलफिल करेंगे। तो आप यह मान के चलिए कि आपकी जो वैकेंसी निकल के सामने आएगी वह 3-4 हज़ार के लगभग टोटल निकल के सामने आएगी, उससे ज़्यादा की संभावनाएँ बहुत ही कम हैं, क्योंकि निश्चित तौर से यहाँ पे 3-4 हज़ार तो मैक्सिमम है कि यहाँ पे इतना निकल के सामने आ जाए, ठीक है ना। बाकी जितना भी आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको जुलाई या फिर अगस्त में ऑफिशियल नोटिस निकल के सामने आएगा जूनियर इंजीनियर के संबंध में। कोई भी अपडेट आएगा तो बता देंगे। कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे गली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।